राम मंदिर उद्घाटन को लेकर राम ध्वज की दुकानें सजी, वहीं राम जी के चित्रों को अंकित कर साड़ी का निर्माण हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए काशी नगरी राममय हो गई है। जगह जगह खूबसूरत झंडों की दुकानें सज गई हैं, जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दुकानदार ने बताया कि 20 रूपये से लेकर 300 रूपये तक के खूबसूरत ध्वज हैं, जिसे खूब जमकर लोग काशी को राममय बनाने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं। खरीदार विनोद चौरसिया ने बताया कि आगामी 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाने की तैयारी में काशी अयोध्या सहित पूरा देश लगा है। मंदिरों में पूजन पाठ किया जाएगा। ये 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचंद्र जी का है, उसी के लिए हम लोग झंडे खरीदारी कर रहे हैं, जो कि हमारे पांडरीगा में भी उसके उपलक्ष्य में सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और हम लोग झंडे खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे 22 तारीख का दिन कैसा होगा सबके लिए, जो आज इस तरह से झंडे बिक्री हो रहे हैं भगवान? 22 तारीख का दिन तो सबके लिए बहुत ही बढ़िया होगा और बहुत ही शुभ होगा। उस दिन सभी को अपने हिसाब से पूजा पाठ करना चाहिए और सभी को झंडा लगाना चाहिए अपने यहाँ पर। सारे व्यापारी रहेंगे। क्या क्या होगा कार्यक्रम? सुंदर कांड होगा और उसके बाद प्रसाद का वितरण भी होगा। पूरे भारत में जश्न मनाया जाएगा और हम लोग इससे शामिल पूरी तरह से रहेंगे। नारायण जी, किस तरह की बिक्री चल रही है झंडे की? काल्पनिक, असोचनीय, अकाल्पनिक है, जितना मैं सोच नहीं सकता रहा। तो छोटा बड़ा मतलब कितने से कितने तक के झंडे बिक रहे हैं? मेरे यहाँ 20 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के झंडे बिक रहे हैं। एकदम लाइन लगा हुआ है। अरे एकदम आपके सामने तो आपके 22 तारीख का कैसा होगा? क्या कहना चाह रहे हैं, 22 तारीख को रामराज की स्थापना होगी। इसी कड़ी में काशी नगरी से अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में तरह तरह के भक्त चढ़ावा चढ़ाने में व्यस्त हैं। इसी के तहत कचौड़ी गली निवासी विकास भाव सिंह का के परिवार द्वारा लगभग 3 महीने में तैयार की गई साड़ी भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसमें खास भगवान श्री राम के 1800 ब्लॉक बनाए गए हैं और भगवान राम के जन्म से राजगद्दी तक के चित्र बनाए गए हैं। ये हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों ने मिलकर तैयार किया है। इस साड़ी को लेकर काशीवासी बाजे गाजे के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। उसी तरह हम लोग भी पार उतर गए हैं भगवान नाम से। हम लोग की ये एक साड़ी बनाया गया है काशी वासियों की तरफ से। ये भगवान का राज दरबार, राम दरबार भी जिसे कहते हैं। और आगे करिए, इसमें भगवान की अलग अलग लीलाएं दी हुई है। जैसे देखिए लौकुश का चरित्र है, साड़ी है। और क्या करने जा रहे हैं? भैया ये तो भगवान राम ने लग रहा है हम लोग से बनवा ली एक साड़ी, जो कि एक अद्भुत साड़ी बन गई। हम लोग ने भी विचार नहीं किया रहा कि इतनी सुंदर साड़ी हम लोग बना पाएंगे, तो ये भगवान के अर्पण के लिए ये साड़ी बनी है, उन्हीं को ही खाली जाएगी। कहाँ जाएगा ये? ये अयोध्या जाएगी। अब 22 को तो नहीं चढ़ पाएगी, उसके बाद जब भी समय मिलेगा तो उसमें वहाँ पे चढ़ेगी। तो क्या खासियत है इस साड़ी में? इसमें भगवान के बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक की जितनी भी उन्होंने लीला की, वो सारी लीलाओं का हम लोग ने मतलब बनाई है। तो कब लेकर के इसको जाएंगे, कैसे जाएंगे? अब तो जैसे भी जब शासन बोलेगा हम लोग को, तब उस हिसाब से जाएंगे। क्या उद्देश्य था इसको बनाने का? इसका उद्देश्य तो कुछ नहीं था, भगवान को खाली अर्पण करना। हम लोग का उद्देश्य तो खाली यही है कि काशी की तरफ से कुछ न कुछ भगवान को जाना चाहिए, महादेव की नगरी से राम की नगरी में कुछ जाए, बस हम लोग का उद्देश्य तो सबका यही है। कितने लोग जाएंगे इसको? जो भी 25 आदमी 30 आदमी जितना भी हो जाए उतने सब लोग जाएंगे। सारे लोग इसको, आप लोग भी साथ में चलिएगा जरूर, सबको आनंद आएगा वहाँ पे। कौन कौन से कारीगर मिल करके इसको? इसमें भैया काशी तो जैसे गंगा जमुना तहजीब के लिए मानी जाती है, तो मुस्लिम कारीगरों ने इसका पोत बनाया, फिर उसके बाद से अलग अलग तरीके से प्रिंट हुई और ये मतलब सभी का योगदान इसमें है। कितनी खुशी है बाबा को अर्पित करने के लिए? भैया ये तो दिल से आदमी को, ये तो खुशी तो चेहरे से समझ में आ रही। यहाँ पे देखिए जितने जने बैठे हैं सबका चेहरा आप देखिए, सब लोग खुश है। इससे ज़्यादा खुशी क्या है कि भगवान काशी से भगवान राम के पास कुछ चल जाए, इससे ज़्यादा खुशी तो क्या है। लगभग कितना समय लगा इसको? 3 महीने करीब भैया लगा है। 3 महीना
ये दशहरे से हम लोग ने चालू किया था, दशहरे से अभी तक चल रही है।